अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जो भी हमारे दोस्त लोग न्यू ईयर लोशन इस्तेमाल कर रहे हैं उन सभी का मन में दोस्तों बहुत सारे सवाल जो है कि आते रहते हैं और जो कि हमारे कमेंट के नीचे पूछते रहते हैं। दोस्तों आज जो है कि आज का वीडियो में टॉप 5 सवालों का जवाब मैं देने वाला हूं न्यू ईयर लोशन से रिलेटेड, जो कि हो सकता है आपका भी माइंड में आ रहा होगा। इसलिए दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी नया दोस्तों इस चैनल पर आया है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को भी लाइक करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सवाल नंबर एक दोस्तों कि ओरिजिनल न्यू हेयर लोशन कहाँ से खरीदे, क्योंकि दोस्तों ओरिजिनल और डुप्लीकेट बहुत सारा जो है कि अभी मार्केट में आ रहा है, डुप्लीकेट भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। इसलिए दोस्तों सवाल आता है कि ओरिजिनल न्यू हेयर लोशन कहाँ से खरीदे। दोस्तों फिलहाल जो है कि मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप कहीं से ना खरीदे, आप जो कि अमेजोन से डायरेक्ट ऑनलाइन खरीदे। दोस्तों इंडिया में दोस्तों अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे भी मिलता है, और दोस्तों अगर आप सऊदी अरब में खरीदना चाहते हैं, सऊदी दुबई वगैरह में, कतर वगैरह में दोस्तों, तो वहाँ भी आपको जो है कि अमेजोन से मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैंने 3 बोतल मंगाई है और 3 बार मंगाया है दोस्तों अमेजोन से, और 3 बार दोस्तों ओरिजिनल ही मुझे न्यू ईयर लोशन मिला है। दूसरा दोस्तों मस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है बहुत सारे लोगों का कि भाई डर्मा रोलर कितना mm का यूज करना चाहिए, कौन सा हमारे लिए इफेक्टिव है। दोस्तों अगर आपका बाल्डनेस पुराना है, 7 साल 8 साल अगर पुराना है दोस्तों, तो आपको 1 mm से लेकर के 1.5 mm तक का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1.5 mm भी दोस्तों बेस्ट रहेगा, और अगर 1.5 mm दोस्तों थोड़ा ज़्यादा पिंच करता है, इसलिए आप जो कि 1 mm ही इस्तेमाल करें तो बेहतर रहेगा। और दोस्तों डर्मा रोलर आपको दिन में 1 मरतबा ज़्यादा यूज नहीं करना है। 3 नंबर का सवाल है दोस्तों बहुत सारे लोगों का माइंड में कि स्किन जो है कि ब्लैक हो गया है। दोस्तों स्किन जो है कि ब्लैक होता है कुछ टाइम के लिए होता है, वो डर्मा रोलर का एक्सेसिव भी यूज करने से होता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा जो कि प्रेशर दे के डर्मा रोलर इस्तेमाल करते हैं, उसके वजह से भी स्किन डेड थोड़ा हो जाता है, जिसके वजह से यहाँ पे ब्लैकनेस आ जाता है। कुछ दिनों के बाद दोस्तों ये जो है कि नॉर्मली सही हो जाता है, इसलिए आपको इससे घबराना नहीं है। 4th नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि क्या शैम्पू जो है कि न्यू हेयर लोशन इस्तेमाल करने से हर बार जो है कि पहले करना चाहिए, यानी कि इसको जब भी हम स्प्रे करें या अगर 2 टाइम स्प्रे करें तो 2 टाइम क्या हमें शैम्पू करना चाहिए। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब है सुबह के टाइम में दोस्तों आप नहाने के टाइम में जॉनसन शैम्पू, बेबी शैम्पू कोई भी इस्तेमाल करें, और दोस्तों अभी ठंडी का वक्त है, शाम को अगर आप नहीं वॉश करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ज़्यादा गंदा नहीं हुआ आपका स्काल्प तो नॉर्मली आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि शाम को भी बिल्कुल ये कि ठंडे पानी से आपको जो वॉश करना है। 5th नंबर में दोस्तों डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो रही है, उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या और भी शैम्पू वगैरह मिलता है, उसको हम क्या डैंड्रफ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जवाब है कि आपको जो कि डैंड्रफ के लिए कोई भी हैंड एंड सोल्जर या ऑल क्लियर कोई भी ऐसा शैम्पू नहीं इस्तेमाल करना जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल होता है, क्योंकि दोस्तों अगर केमिकल वाला शैम्पू इस्तेमाल करेंगे तो आपका बेबी हेयर को नुकसान पहुंचाएगा और न्यू हेयर लोशन सही से काम नहीं करेगा। इसलिए दोस्तों डैंड्रफ अगर थोड़ा बहुत हो रहा है तो आपको कंघी करके जो कि थोड़ा बहुत निकाल लेना है। अगर एक्सेसिव डैंड्रफ हो रहा है दोस्तों तो आपको क्या करना, न्यूजोरल शैम्पू जो मेडिकेटेड शैम्पू होता है, केटोकोनाजोल 2% जिस शैम्पू में मिलता है दोस्तों, वो शैम्पू आपको भी मेडिकल फार्मेसी से लेकर के इस्तेमाल करें, हफ्ते में 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल करें, उससे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। उम्मीद है दोस्तों ये टॉप 5 क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को मिल गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इसी तरह का जो है कि टॉप 5 क्वेश्चन को मैं सेलेक्ट करूंगा और जो है कि इसका भी जवाब दूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर।